नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज फिर एक बिल्कुल नया और फ्रेश वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो UTL Gamma Plus है उसकी डिस्प्ले को फ्रेंड हम पूरा टेस्ट करने वाले हैं कि इसकी डिस्प्ले कितनी एक्यूरेट है, क्या एक्चुअल में जो वोल्टेज और जो बैटरी के वोल्टेज दिखाता है क्या वो बिल्कुल सही है या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो फ्रेंड, सब कुछ इस वीडियो में आप लाइव प्रैक्टिकल देखोगे। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा UTL Gamma Plus है उसकी डिस्प्ले की एक्यूरेसी टेस्ट करने वाले हैं। फ्रेंड, हम एक बार इसके डिस्प्ले के पैरामीटर देख लेते हैं। फ्रेंड, उसके बाद जो हमारा ये ट्रस्टी क्लैंप मीटर है जिस पर हम बहुत ज़्यादा ब्लू करते हैं, इससे हम टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड, पहले हम इसके डिस्प्ले पे देख लेते हैं पैरामीटर। देखिए, 14 वोल्ट पे अभी हमारी बैटरी है, फुल चार्ज है, 1 एम्पियर करंट जा रहा है इसमें, 219 वोल्ट है सप्लाई दे रहा है ये आउटपुट, और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इसकी, 14% लोड है। फ्रेंड, अब इस पर 36 वोल्ट आ रहे हैं सोलर से और 5.7 एम्पियर ये दे रहा है। देखिए, और फ्रेंड बैटरी की चार्जिंग करंट है 1 एम्पियर है, 14 वोल्ट 1 एम्पियर 0.9 एम्पीयर। अब देखिए, इसके डिस्प्ले को हम एक बार पॉज कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम देख लेते हैं सोलर से कितने वोल्टेज आ रहे हैं। देखिए, डिस्प्ले पे जो दिखा रहा है और जो हमारा वोल्ट मीटर है दोनों को हम मैच करेंगे। देखिए, 36 वोल्ट दिखा रहा है एग्जैक्ट। तो फ्रेंड, अब हमारे मल्टीमीटर के द्वारा हम चेक करेंगे इसको। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को निकाल लेते हैं। देखिए, तो फ्रेंड सबसे पहले हम मल्टीमीटर को निकाल लेते हैं और थोड़ा फ्रेंड ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो थोड़ा हमें सावधानी बरतनी होगी इसमें। तो देखिए फ्रेंड, अभी भी ये 35.9 वोल्ट दिखा रहा है। तो अब हम इसे चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम मल्टीमीटर के वायर लगा लेते हैं दोनों प्रोब में। ये हो गई पॉजिटिव प्रोब और ये हो गई कॉमन प्रोब। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से लगाना है। देखिए, ये हो गया हमारा प्लस, पहले इसको ऑन कर लेते हैं। तो डीसी वोल्ट 200 पे कर देते हैं। देखिए, मैंने डीसी वोल्टेज पे कर दिया है और देखिए डीसी वोल्ट पे कर दिया फ्रेंड इसको, और 200 वोल्ट की रेंज कर दिया, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अब देखिए, इसकी लाइट भी हम ऑन कर देते हैं हमारे मल्टीमीटर की। देखिए, स्क्रीन पे लाइट भी हमने ऑन कर दी है, और देखिए यहाँ पे पीछे हम माइनस में माइनस और प्लस में प्लस का वायर लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के चांसेस रहते हैं। देखिए, 35.1 वोल्ट दिखा रहा है पीछे, और देखिए स्क्रीन पर कितना दिखा रहा है। हम दिखा नहीं पा रहे हैं 35.9 वोल्ट दिखा रहा है डिस्प्ले पर, दिखा रहा है 35.8 और 35.9, जबकि देखिए मल्टीमीटर में एक्चुअल की रीडिंग है 35.1। तो फ्रेंड देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है, 0.5-0.7 वोल्ट का डिफरेंस है जो सोलर से आ रहा है जो डिस्प्ले पर दिखा रहा है। तो फ्रेंड, हो सकता है कि इसमें कोई डायोड में ड्रॉप है, तो लगभग सेम है, हम इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ उसके डिस्प्ले पर, 35.9 वोल्ट दिखा रहा है। फ्रेंड, ये तो था इसका सोलर पैनल से जो वोल्टेज आ रहा है। हम बैटरी का वोल्टेज भी टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए, जो बैटरी के वोल्टेज आ रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो बैटरी का वोल्टेज अभी ये करंट में 14 वोल्ट दिखा रहा है, बैटरी फुल चार्ज दिखा रहा है और 14 वोल्ट दिखा रहा है। तो अब देखिए, अब हम ट्रस्टी जो हमारा ट्रस्टी फ्रेम मीटर है उसमें भी हम इसकी रीडिंग चेक कर लेते हैं। देखिए, 14.1 वोल्ट दिखा रहा है, इसके डिस्प्ले पर भी हम देख लेते हैं। देखिए,
डिफरेंट डिस्प्ले की तरह 14 वोल्ट और मैक्सिमम देखो कि 14.12 वोल्ट की तरह 14.1 वोल्ट इतना डिफरेंस नहीं है।